नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं पंजाब किंग वर्सेस गुजरात टाइटेंस के बीच में जो आज का आईपीएल मैच खेला जाना है उसकी, और क्या टीम रहेगी और क्या चेंजेस हुए आज के मैच में और क्या मेरी टीम रहेगी, प्लस क्या पिच रिपोर्ट है आज के मैच की, वो सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सीधे चलते हैं ड्रीम इलेवन पे, वहीं से मैं अपनी टीम भी बना लूँगा और आपको बता भी दूंगा भाई किस किस प्लेयर को मैं ले रहा हूँ और क्या पिच रिपोर्ट है, सब आपको बता देता हूँ। मैं आ गया हूँ मैं ड्रीम इलेवन पे, ओपन कर लेता हूँ मैं। और अभी से ही आपके भाई ने जितने भी कॉन्टेस्ट आए थे ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग सब ज्वाइन करके रखे, ठीक है। और टीम भी बना के रखी है मैंने ऑलरेडी, बता देता हूँ आपको क्या मेरी टीम है भाई। इस वीडियो में आपको मैं दो टीम देने वाला हूँ, एक ग्रैंड लीग की एक स्मॉल लीग की, ठीक है, दो टीम देने वाला हूँ। चलो पहले बना लेता हूँ मैं स्मॉल लीग की टीम अपनी, क्या मेरी स्मॉल लीग की टीम है। उससे पहले बता दूं कि भाई इस मैच में क्या पिच रिपोर्ट रहेगी। भाई देखो, ये जो ग्राउंड है इस पे अभी तक के बल्लेबाजों का राज रहा है और 200 रन बने यहाँ पे और 200 चेस भी हुए, तो हाई स्कोरिंग वेन्यू है। तो आपको इस बात को ध्यान में रख के ही टीम बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बल्लेबाज को ट्राई करना है आज के दिन, और फास्ट बॉलर को थोड़ा एडवांटेज रहता है, ठीक है। तो फास्ट बॉलर को आपको कवर करना है, स्पिनर्स को थोड़ी कम हेल्प मिलती है यहाँ पे। बाकी राशिद खान तो यार हर मैच में विकेट लेता ही है, अगर आप चाहो तो ले लेना, बाकी इस मैच में थोड़ा सा रिस्की भी रह सकता है क्योंकि बल्लेबाजों को हेल्प करेगी पिच और फास्ट बॉलर्स को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब मेरी क्या टीम रहने वाली इस मुल्ले की, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, मैथ्यू वेड है, जोनी बेरेस्टो है, बाकी गुरबाज को अभी तक के मौका नहीं मिला है, तो कम ही चांस है कि आज भी मौका मिले, ठीक है, क्योंकि मैथ्यू वेड अच्छा कर रहा है। भले बल्लेबाजी कुछ खास नहीं करी लास्ट मैच में, पर विकेट कीपरिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बाकी यार प्लेयर अच्छा है, चल सकता है। और यहाँ से जोनी बेरेस्टो भी आज का मैच खेलने वाला है और पंजाब की तरफ से विकेट कीपरिंग भी करने वाला है, और होगा तो ओपनिंग पे भी आएगा मयंक अग्रवाल की जगह पे, ठीक है। तो जोनी बेरेस्टो को मैं लेने वाला हूँ, मैथ्यू वेट को भी मैं लेने वाला हूँ, दोनों टीम के दोनों ओपनर लेके रखे हैं मैंने और दोनों विकेट कीपर भी लेके रखे हैं। बाकी यहाँ से जितेश शर्मा अगर खेलेगा तो फिर भाई जितेश शर्मा विकेट कीपरिंग करेगा और आपको पाँचवें छठे नंबर पर बल्लेबाजी करता हुआ दिखाई देगा। अब आ जाता हूँ मैं बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में शिखर धवन है, मयंक अग्रवाल है, शुभमन गिल है, राजा पाक्सा की जगह पे ही आज जोनी बेरेस्टो को मौका दिया जाएगा, तो राजा पाक्सा आज का मैच मिस करने वाला है, कंफर्म नहीं है पर ऐसा हो सकता है। डेविड मिलर भी खेलेगा यहाँ से, शाहरुख खान भी खेलेगा, अभिनव मनोहर, इसको भी मौका हर मैच में दिया ही जा रहा है। बाकी मैं किस किस को लेने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से लेने वाला हूँ शिखर धवन को, शुभमन गिल को, डेविड मिलर को, तो ये तीन बल्लेबाज मेरी टीम में रहेंगे। शिखर धवन भाई हर मैच में पॉइंट लेता ही है और संभली भी पारी खेलता हर मैच में, ठीक है, तो शिखर धवन इंपॉर्टेंट रहेगा, हर मैच में ट्रिम टीम में आता है भाई, क्यों, क्योंकि उठा के शॉट मारता ही नहीं जाता, प्लेट प्लेट करता है, चौके मारने में ज़्यादा ध्यान रखता है, तो लंबी इनिंग हर मैच में खेलता है, तो भाई इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी शुभमन गिल अच्छे खासे फॉर्म में चल रहा है, लास्ट मैच में भी यार क्या पारी खेली थी यार, तो शुभमन गिल भी मेरी टीम में रहेगा और बल्लेबाजों को सपोर्ट है तो यार शुभमन गिल, शिखर धवन और एक ले रहा हूँ मैं डेविड मिलर। डेविड मिलर भाई हार्ड हिटर बल्लेबाज है और बिल्कुल यार अगर टिक जाता है तो 20-30 बॉलों में अपने 50-60 रन बना लेता है, और आज के मैच में चौथे पाँचवें नंबर पर आपको बैटिंग करता हुआ दिखाई देगा, और भाई मेरे हिसाब से आज डेविड मिलर चल सकता है, ठीक है, तो डेविड मिलर को भी मैं लूँगा। बाकी यहाँ से और कोई बल्लेबाज को नहीं ले रहा हूँ मैं, अगर होगा तो मयंक अग्रवाल को ले सकता हूँ पर अभी नहीं ले रहा हूँ मैं। अब आ जाता हूँ मैं ऑलराउंडर सेक्शन में, बाकी मयंक अग्रवाल ग्रैंड लीग में ट्राई जरूर कर लेना आप। ऑलराउंडर सेक्शन में भाई हार्दिक पांड्या बॉलिंग प्लस बैटिंग, चौथे नंबर पर बैटिंग कर रहा है और पूरे चार ओवर अपने डाल रहा है, तो हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्दिक पांड्या को मैं लेने वाला हूँ। और लिविंग स्टोन का भी सेम वही है, लास्ट मैच में तो हाँ शायद से हाँ
चौथे नंबर पे आया था और भाई दो विकेट भी ले गया था 3 ओवर में, 4 ओवर डालता तो 3-4 ले लेता। तो लिविंग स्टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लिविंग स्टोन भी मेरी टीम में रहने वाला है। दो ऑलराउंडर ले रहा हूँ मैं और भाई दोनों बहुत अच्छे हैं, और इन दोनों को अगर आप चाहो तो अपनी पूरी 20 टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, दोनों अच्छे रहेंगे। और यहाँ से ऑर्डन स्मिथ बॉलिंग डालेगा बैटिंग करेगा, पर बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा डाउन है, बाकी बॉलर अच्छा है, बहुत तेज बॉल डालता है भाई, फास्ट बॉल डालता है, अगर आप चाहो तो ले लेना, पर अभी नहीं ले रहा हूँ मैं। राहुल तेवतिया का भी बैटिंग ऑर्डर बहुत डाउन है, बाकी पार्ट टाइमर है, कभी कभी बॉल डालता है कभी नहीं डालता है, तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बाकी विजय शंकर कुछ खास फॉर्म में है नहीं है, लास्ट मैच में बॉलिंग भी डाली थी और बल्लेबाजी तो खैर कर ही नहीं पा रहा है, बाकी अगर आप चाहो तो इस मैच में ट्राई कर लेना, क्योंकि ये विकेट जो है बल्लेबाजों को सूट करता है, वन डाउन आपको बैटिंग करता हुआ दिखाई देगा, और चाहो तो बिल्कुल आप ले सकते हो अपनी टीम में, क्योंकि भाई मैंने बता दिया आपको बल्लेबाजों को सपोर्ट करता है ये जो वेन्यू है, तो आप ले सकते हो। और बाकी यहाँ से कोई है नहीं है जिसकी मैं ज़्यादा बात करूँ। अब मैं आता हूँ बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में भाई राशिद खान को थोड़ा सा लेना है इस मैच में, वो क्रेडिट मैनेज नहीं हो पा रहा है, और क्या है कि भाई राशिद खान स्पिनर भी है, स्पिनर को थोड़ा कम एडवांटेज रहेगा, पर भाई राशिद खान हर कोई भी वेन्यू हो, स्पिनर हो या फिर फास्ट बॉलर हो, राशिद खान विकेट लेता है, ध्यान रखना इस बात का। तो अगर होगा तो मैं लूँगा, बाकी अभी नहीं ले रहा हूँ मैं राशिद खान को, अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ से मोहम्मद शमी को, लोकी फर्गुसन को, ये दोनों भाई विकेट टेकर है और हर मैच में ये विकेट आपको लेते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद शमी का तो ऐसा है कि बिल्कुल सबसे मेन बॉलर अगर गुजरात टाइटेंस की टीम से कोई है तो वो है मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी को हर मैच में विकेट मिलते ही है, अभी से नहीं बहुत पहले से चलता आ रहा है कि मोहम्मद शमी हर मैच में विकेट लेता है। और फर्गुसन को भाई लास्ट मैच में मैं लेके आया था, 4 विकेट लेके आया था, फर्गुसन भी बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ से कगिसो रबाड़ा, कगिसो रबाड़ा का भी भाई सेम है, कगिसो रबाड़ा भी हर मैच में विकेट लेता है, और अभी तो यार बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहा है, 7वें नंबर पे आके बल्लेबाजी कर रहा है, तो आपको बल्लेबाजी से भी कुछ पॉइंट दिला सकता है। और अब बचा मेरे पास में 8.5 क्रेडिट, अगर आप चाहो तो 8.5 क्रेडिट में कोई एक बल्लेबाज ले सकते हो, या फिर विजय शंकर को भी ले सकते हो आप, पर मैं ले रहा हूँ यहाँ से अर्शदीप सिंह को, ठीक है। बाकी यहाँ से वी अरोरा लास्ट मैच में 2 विकेट लेके गया था भाई, नया प्लेयर है, और यहाँ से वरुण अरुण भी अच्छा रहेगा, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो भाई ये टीम मेरी रहने वाली है। और अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन यार सिंपल सा फंडा है, उससे पहले आपको बता दूं कि भाई इस वीडियो में गिव अवे है, गिव अवे की डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बाकी जो कल के जो गिव अवे विनर्स थे उसका अनाउंसमेंट मैं आज नाइट में कर दूंगा, मतलब एक दिन आप क्या रहेगा कि जो वीडियो डालूंगा उसके विनर्स एक दिन बाद बनाया करूंगा, बाकी आज के विनर जो है उसका अनाउंसमेंट मैं कल रात को करूंगा, ठीक है। तो जो कल की वीडियो के विनर्स थे उसका अनाउंसमेंट मैं आज रात में 9 बजे कर दूंगा, ठीक है, पर पक्का नहीं भाई, क्योंकि देखो थोड़ा सा क्या है बिजी शेड्यूल भी हो जाता है यार, तो बना नहीं पाता हूँ, बाकी बनाता जरूर हूँ मैं, टेलीग्राम पे आप जाके देख लेना, डिटेल भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, हाँ उससे पहले बता दूं कि भाई गिव अवे विनर बनने के लिए आपको खाली कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो भाई मेरा कैप्टन रहने वाला है यहाँ से लियम लिविंगस्टोन, लिविंगस्टोन को मैं कैप्टन बनाने वाला हूँ, बॉलिंग भी डालेगा बैटिंग भी करेगा, और यार अच्छे खासे फॉर्म में चल रहा है, लास्ट मैच में तो आपने बैटिंग देखी होगी, और लास्ट मैच में कोई नहीं लाया था भाई, मैं लेके आया था डायरेक्ट वाइस कैप्टन बना के, ठीक है, तो अच्छा रहेगा इस मैच में। और बाकी यहाँ से हार्दिक पांड्या भी यार हर मैच में चल ही रहा है, और यार बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों कर रहा है, तो हार्दिक पांड्या भी इम्पोर्टेंट है, और विकेट जो है बल्लेबाजों को सूट भी करती है, तो चौथे नंबर पे आपको बल्लेबाजी करके देगा और पूरे 4 ओवर डाल के देगा। तो ये मेरी टीम रहने वाली है भाइयों, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो उसकी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पे मिल जाएगी। अगर लिंक वर्क ना करे तो आप टेलीग्राम पे @SMSHThakre सर्च कर लेना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, पर हाँ ध्यान से लिंक यही होनी चाहिए @SMSHThakre, ठीक है।
अगर आपको मेरा चैनल ना मिले तो आप एक काम और कर सकते हो, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको आप कॉपी करो और टेलीग्राम पे पेस्ट करो, लिंक पे टच करके आप मेरे चैनल में आ जाओगे। ठीक है भाई, तो इतना कर लेना अगर दिक्कत आती है तो। वैसे तो लिंक पे टच करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई और हाँ, अगर आपको डेली मैच प्रिडिक्शन वीडियोस चाहिए और जो भी मेरी अपडेट रहती है भाई मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो भाई, और डेली आपको मैच प्रिडिक्शन वीडियोस मिलती रहेगी। और यार अभी तक के आईपीएल के मैच भी मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं, उसके रिजल्ट आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना मेरे। तो बिल्कुल यार भाई, अगर आपको आईपीएल खेलना है और डेली मैच प्रिडिक्शन वीडियोस चाहिए तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यही मेरी टीम रहेगी, वैसे तो भाई ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। अगर वेरेस्टो तो नहीं खेलेगा तो फिर उसकी जगह पे मैं राशिद खान या फिर मयंक अग्रवाल, इनको ले सकता हूँ। और हाँ, मैंने बताया था यार आपको, दो टीम दे रहा हूँ मैं, तो एक मैं बताया था आपको, ग्रैंड का कॉम्बिनेशन बता देता हूँ अपना। देखो ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम है। ठीक है भाई, इसमें क्या है कि मैंने मैथ्यू वेट को ड्रॉप करा है और शिखर धवन को ड्रॉप किया है, बाकी यहाँ से बॉलर्स ज़्यादा लिए हैं मैंने। बाकी यहाँ से अगर आप देखोगे तो जॉनी बेयरस्टो, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या, लिविंगस्टोन, ये सब बल्लेबाजी भी करने वाले हैं। बाकी मैंने यहाँ से मेन मेन बॉलरों को भी कवर करा है, और वी अरोड़ा को इसलिए लिया है कि आठ क्रेडिट मैनेज करना था मेरे को। बाकी बॉलर भी अच्छा है, 2 विकेट लेके आ रहा है लास्ट मैच में। तो ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम है, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप जा सकते हो। एक दो चेंज कर लेना, नहीं तो रैंक क्लैश हो जाएगी। ठीक है भाई, तो बाकी ग्रैंड लीग की टीम मेरी ये है, और स्मॉल लीग की टीम मेरी मैंने आपको दिखाई देती, एक और बार दिखा देता हूँ, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है। ठीक है भाई, तो धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग हो।